आगे बाके बिहारी, हमारे परिवार को बनाए रखना, हमारे परिवार को किसी की बुरी नजर ना लगे। और हाँ बाके बिहारी, हमारे शक्तिशाली खानदान की जो परंपरा है उसको कभी आंचना है। हाँ रीटा बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, और अपना घर तो होना ही चाहिए भाई। अपना घर? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी किसी को कुछ मत बताना, होम लोन क्लियर हो जाने दो फिर बता देना। रीटा तुम नहीं जानती मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। अरे अपना घर मतलब आजादी, अपना घर मतलब खुली हवा में सांस, अपना घर मतलब जैसे खिलता गुलाब। हाँ हाँ चलो के बाय। ये बाके बिहारी ये क्या सुन रहे हैं हम? अपना घर मतलब आजादी, खुली हवा में सांस। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, क्या शक्तिशाली खानदान की परंपरा अभी लोगों को गले की हड्डी लगने लगी? बाके बिहारी अजाब गजाब घर जमाई। जमाई जी ये लीजिए, ये बैग है। हाँ हाँ ये बैग है, इसे बैग कहते हैं तो थैला किसे कहते हैं? जमाई जी हिंदी में थैला और अंग्रेजी में बैग कहते हैं। बड़े लाल मुझे ना बैग चाहिए, जिसे इंग्लिश में भी बैग कहते हैं और हिंदी में भी बैग कहते हैं, समझ गया? इधर आ, ये देख ये जितने कपड़े हैं ना उस बैग में रखने हैं, समझ गया? अब मुझे वही वाला बैग ला करके दे जिसमें ये सारे कपड़े आ जाए। चल। ओ, लेकिन जमाई जी आप इतने बड़े बैग का करोगे क्या? यार अच्छा बेवकूफ आदमी है, अभी तो बताया सारे कपड़े रखने हैं फिर पूछ रहा है, समझ गया? बैग चाहिए जिसमें सारे कपड़े आ जाए। जा भाई पंडित को बुला के नारियल फोड़वाऊं। जा रहा। एक को छोड़ो चार मिलते हैं यार। अब ऐसे मत देखिए, अब मायूस होने की भी कोई जरूरत नहीं। देखिए हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हम शक्तिशाली खानदान की परंपरा पे कोई आंच नहीं आने देंगे। ठीक है मत मान। अरे बड़े लाल ये क्या है? ये बैग है मालकिन, ये अंग्रेजी में भी बैग है और हिंदी में भी बैग है। देंगे कान के नीचे, हिंदी अंग्रेजी नहीं पूछ रहे, ये बैग कहाँ ले जा रहे हो? ये चिंटू जमाई जी ने मंगाया है, कह रहे थे मेरे और डॉली के सारे कपड़े जिसमें आए इतना बड़ा बैग लेकर आओ। अच्छा तो चिंटू और डॉली ने पैकिंग भी शुरू कर दी। मालकिन इनमें चिंटू जमाई और डॉली बिटिया के सारे कपड़े आएंगे ना? कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो हम जाए ये बैग देकर आए। सुना नहीं हमने क्या कहा? कोई कहीं नहीं जाएगा, ये बैग ले जाओ वापस वहां ही रख दो जहां से लेकर आए हो। महान जी। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप? अरे एक्सरसाइज करने। नहीं जा सकते, आपने मालकिन जी का नया फरमान नहीं सुना, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे पर मैं तो सिर्फ पार्क तक जा रहा हूँ। आप पार्क तक जाने की बात कह रहे हैं? हमें तो चिंटू जमाई जी के कमरे तक नहीं जाने दिया। आपको जहां भी जाना है मालकिन जी से पूछ कर जाइए। हेलो नमस्कार, राधा माधव बैंक प्राइवेट लिमिटेड होम लोन डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, क्या हमारी बात डॉली शक्तिशाली जी से हो रही है? नहीं हम जगदम्बा शक्तिशाली बोल रहे हैं। जगदम्बा जी क्या आप हमारी बात डॉली शक्तिशाली जी से करा सकती हैं? आपको क्या काम है उनसे? जी जगदम्बा जी होम लोन के बारे में बात करने के लिए कॉल किया गया है, जानना चाहेंगे क्या आप डॉली शक्तिशाली जी से मेरी बात करा सकती हैं? एक मिनट होल्ड कीजिए। डॉली, अरे डॉली तुम्हारा फोन है। हाय नानी। जी नानी फोन है तुम्हारा। अच्छा हेलो। जी हाँ बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी हाँ क्या बात है बेटा?
नानी कुछ खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही। हम आते हैं। ये डॉली हमसे कुछ छिपा रही, इस घर से जाना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अपना घर लेना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। होम लोन कौन सा आसानी से मिल जाता है। होम लोन लेना हो गया है और भी आसान, 1, 2, 3 और बस हो गया काम। होम लोन मिल गया तो क्या हुआ, पारिवारिक रिश्ते भी तो कुछ होते, उन्हें तोड़ना आसान बात थोड़ी है। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली बनाम जॉइंट फैमिली, और आज हमारे साथ मौजूद है पारिवारिक मामलों की विशेषज्ञ संगीता जी। संगीता जी, क्या कहना है आपका? जी देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि आजकल हर आदमी न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहता है, तो जाहिर है आदमी की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। बढ़िया ही विशेषज्ञ, इसे क्या पता हमारे घर के बारे में। गुस्सा थूक दीजिए ना महान जी। ऐसे कैसे गुस्सा थूक दे लॉली जी, अब तो गुस्सा थूकने के लिए भी नानी जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे पार्क तक घूमने नहीं जाने दिया उन्होंने, मुझे तो लगता है कि अब इस घर में सांस लेने के लिए भी नानी जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए। क्या सचमुच ये परंपराएं, ये परिवार, इनको बंदिश लगने लगे? अरे बड़े लाल जी। मालकिन, वो बैग तुमने चिंटू को दे दिए? आप ही ने तो मना किया था ना मालकिन। दे दो चिंटू को। जी मालकिन। अरे बड़े लाल। जी मालकिन। कुछ नहीं, मैं कुछ समझा नहीं मालकिन। अरे बड़े लाल, इस बार तुम क्या, हम भी कुछ नहीं समझ पाए। मालकिन कुछ परेशान है। कहाँ हो बड़े लाल, इतनी देर से मैंने बैग मांगा था, बैग नहीं मिला अब तक। मालकिन ने हमें रोक लिया ना। रुकिए, हम अभी ला कर देते। अभी रहने तो कोई फायदा नहीं है, ढूंढ लिया बैग मैंने। चिंटू जमाई जी, मालकिन परेशान है। कुछ कहा नानी जी ने? उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कुछ नहीं। अरे अच्छे बेवकूफ हो बड़े लाल जी, नानी जी ने कुछ कहा नहीं, अपने आप ही समझ गए वो परेशान है। वाह, उन्होंने कहा ना क्या? कुछ नहीं। अरे बड़े लाल जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप कह क्या रहे हो। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि वो कुछ समझ नहीं पाई। नानी जी ने क्या कहा? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बड़े लाल तुम क्या समझोगे, इस बार तो हम भी कुछ नहीं समझ पाए। मैया को भी क्या हो गया? क्या हो गया सासू माँ, क्या हो गया नानी जी को? उन्होंने हमें अपने कमरे में बुलाया और बोली कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता बड़े लाल जी? अरे चिंटू जी, आपने नानी को बता दिया क्या? अभी नहीं तो फिर कब बताएंगे? अरे डॉली जी, नानी जी बहुत परेशान लग रही है, उनको बताना ठीक नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। अरे आज चिंटू जी, आपने हमें भी बताने से रोक लिया था। हाँ, आपको तो इसलिए रोका था कि मुझे लगा था कि एक बार चीजें सही हो जाए, फाइनल हो जाए, तो उसके बाद जाकर के नानी जी को बता दूंगा। पर अब तो सब कुछ हो गया ना। हाँ हो गया है डॉली जी, लेकिन नानी जी बहुत परेशान है, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा उनको इस वक्त बताना। ठीक है, हम ही जाके बता दें। अरे डॉली जी, आप रहने दो, मेरा मतलब है कि अभी रहने दो, जैसे ही मौका दिखेगा ना मैं नानी जी को जाकर के खुद ही बता दूंगा। वो हल्की सी खुश दिखे, उनकी परेशानी कम दिखे ना, मैं खुद बताऊंगा डॉली जी। ठीक है चिंटू, चलो हम पैकिंग करें। बिछड़े सभी बारी बारी। अरे जगदम्बे, तो तुम कुछ परेशान हो क्या? हमारे परेशान होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है पन्ना जी? क्या फर्क पड़ता? अरे तुम्हारी वजह से घर के सब लोग परेशान हैं। आपको भी लगता है हमारे चक्कर में सब परेशान है? और नहीं तो क्या, अब जिसको देखो बुला बुला के कह देती हो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो सब परेशान होंगे ना। अब हमारे कुछ नहीं कहने से भी सब परेशान होने लगे। अरे जगदम्बे, तुम्हें क्या हो गया? देखिए कितने अच्छे लगते हैं हम साथ साथ।
पन्ना जी, आपसे एक बात पूछे। हाँ। क्या आपको भी लगता है कि हमारी परंपराएं, हमारी रीतियां हमारे परिवार के गले की हड्डी बन गई? अरे जगदम्बे, अगर परंपराओं को समझकर उसके अर्थ को समझकर निभाया जाए ना तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर परंपराएं किसी के मुंह में जबरदस्ती ठूसी जाए तो समझ जाओ वो गले की हड्डी बन जाती है। नानी जी की जय हो। पैकिंग हो गई। नानी जी, बस मैं आपके पास ही आने वाला था। वो क्या है ना कि मैं और डॉली जी ना। कब जा रहे? आपको पता है नानी जी? पता चल गया, पहले से तो नहीं, थोड़ी देर से पता लगा। अरे कहाँ नानी जी, आपको तो देर से कहाँ, मेरे बताने से पहले ही पता चल गया। कब जा रहे हो? शाम को। आज शाम को? नानी जी, वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ ना कि कुछ पैसे वैसे नहीं, नहीं नानी जी, पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सेविंग्स है मेरी, बाकी फिर बैंक। ठीक है बेटा, खुश रहना, आजादी से रहना। आजादी से रहो, खुश रहो तो समझ में आ, लेकिन आजादी से रहो। अजाब गजाब घर जमाई।